बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। बिना पढ़े ही परीक्षा पास करने का मंत्र दे रहे कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, भगवान शंकर को करना होगा प्रसन्न। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा सीहोर के रहने वाले हैं, जिनका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें कि वीडियो में प्रदीप मिश्रा एक कार्यक्रम में कथा वाचन कर रहे हैं और माता पिता को बता रहे हैं कि उनके बच्चे बिना पढ़े कैसे परीक्षा पास कर सकते हैं। वीडियो में प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि शिवजी को बेलपत्र समर्पित किया जाता है, उसके बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शिवलिंग पर जाकर बच्चे के हाथ से उसे चिपकवा दीजिए। बच्चे ने चाहे पढ़ाई की हो या ना की हो, वह परीक्षा में अवश्य पास हो जाएगा। प्रदीप मिश्रा सीहोर के रहने वाले हैं। दरअसल प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। इनकी कथा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय समेत कई दूसरे नेता भी शामिल हो चुके हैं। आदर्श न्यूज टीम मध्य प्रदेश। करी जाती है उस बेलपत्र का भी भाग स्थापित है। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।